कार सुप्रभात आप सभी का दिन शुभ मंगल मैं हूँ स्वरूप आयुर्वेदिक क्लिनिक के रोजाना के सुविचार के दिनचर्या की इस श्रृंखला में आज दिनांक 13 फरवरी 2021 को हम आपसे बात करेंगे हमारे दैनिक दिनचर्या के एक महत्वपूर्ण आहार द्रव्य दूध व उससे बनने वाले उसके विभिन्न प्रारूपों के गुण व औषधीय उपयोग के बारे में हम अपनी दैनिक दिनचर्या में दूध व उससे बनने वाले जो विभिन्न उसके पदार्थ होते हैं या जो प्रारूप होते हैं उनका बहुताज से प्रयोग करते हैं जैसे कि आ, मलाई हो गई मक्खन हो गया पनीर हो गया दही हो गया लेकिन भले ही ये सभी पदार्थ बनते तो जो है दूध से ही हैं लेकिन आ, रूप बदलने के साथ साथ इनके गुणों में और औषधीय प्रयोग में भी चेंज आ जाता है हम भले ही इनको डेली यूज़ कर रहे हैं लेकिन फिर भी इन सब की मेडिसिनल यूज़ भी होता है ये एक औषधि की तरह भी काम करते हैं तो भले ही हम इन्हें डेली यूज़ करते हैं पर इनके गुणों के बारे में जानकारी होना भी हमारे लिए अत्यावश्यक है तो आइए जानते हैं इन सभी के गुण और औषधीय उपयोग के बारे में सबसे पहले हम बात करेंगे दूध के बारे में जो दूध होता है इन जनरल भले ही हम अलग, अलग अलग यूज़ करते हैं काऊ मिल्क या बफेलो मिल्क लेकिन इन जनरल जो दूध होता है ये मधुर रस युक्त शीत होने से और स्निग्ध होने की वजह से वात पित्त दोष शामक होता है अर्थात जो पित्त दोष से होने वाली व्याधियाँ हैं जैसे कि एसिडिटी होना बर्निंग होना दाह होना इन सब में दूध बहुत अच्छा काम करता है एक मेडिसिन की तरह काम करता है दूसरी और अगर जो वात की वजह से व्याधियाँ हो जाती हैं जैसे मांस क्षय होना या अस्थि क्षय होना इस तरह की जो बोनी प्रॉब्लम्स होती हैं मस्कुलर प्रॉब्लम्स होती हैं उनमें भी दूध बहुत अच्छा काम करता है और साथ ही साथ इसे आयुवर्धक कहा गया है आयु को बढ़ाने वाला इसे बताया गया ये तो हुए दूध के गुण और उनके उपयोग के बारे में अब हम जानेंगे दूध से बनने वाले उसके विभिन्न प्रारूपों के बारे में सबसे बारे में आ, सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं पीयूष पीयूष क्या होता है कि जो आ, एनिमल्स का फर्स्ट मिल्क होता है यानी काऊ बफेलो का जो आ, फर्स्ट मिल्क होता है जो कि बहुत गाढ़ा होता है उसे पीयूष कहा जाता है वहीं दूसरी तरफ जो दूध जो है वो बिना पकाए मतलब अपने दूध को पकाया ही नहीं लेकिन वो कच्चा ही फट गया हो उसे हम शीर शाक कहते हैं कच्चा फटा दूध जो है वो शीर शाक कहलाता है और तीसरे पे आते हैं हम तक्रपिंड तकरपिंड का अर्थ होता है जिसे हम जनरली अपने घर में बहुत यूज़ करते हैं विभिन्न विभिन्न रूपों में जैसे हम पनीर भी कहते हैं आजकल की भाषा में तकरपिंड में क्या होता है कि आप जब दूध को किसी भी खट्टी चीज़ के संपर्क में आने से जैसे कि दही या जो तकर होता है के संपर्क में आने से जब दूध फट जाता है तो उसे जब आप कपड़े में बांध देते हैं तो जो गाढ़ा गाढ़ा पार्ट बचता है जिसे पनीर कहते हैं वो तकरपिंड कहलाता है मुरट कहते हैं कि जब पनीर आप निकालते हैं तो जो कपड़े से छन कर नीचे पानी आता है उसे मुरट बोला जाता है तो ये सारे के सारे जो होते हैं पीयूष हो गया यानी का एनिमल्स का फर्स्ट मिल्क जो कि गाढ़ा होता है शीर्षाक हो गया मतलब कि बिना पका हुआ जो दूध फट जाता है वो या पनीर हो गया और मोरट हो गया इन जनरल ये सभी के सभी जो होते हैं रस रक्त आदि धातुओं को बढ़ाने वाले होते हैं उनके वर्धक होते हैं और साथ ही साथ ये गुरु होते हैं और कफ को बढ़ाते हैं कफ कारक होते हैं शरीर में कफ की वृद्धि करते हैं लेकिन साथ ही साथ ये बात पित्त दोष शामक भी होते हैं यानी कि बात और पित्त दोष की वजह से जो विकार उत्पन्न हुए होते हैं जो व्याधियाँ होती हैं उनका ये शमन करते हैं तो ध्यान रखिए कि कफ कारक होने से ये वेट भी इंक्रीज़ करेंगे तो आपको ध्यान रखना है थोड़ा सा यूज़ करने के लिए लेकिन साथ साथ ही ये दीपक भी होते हैं डाइजेस्टिव फायर को इंक्रीज करते हैं हमारी भूख को बढ़ाते हैं और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि ये सभी जो होते हैं जिन लोगों को नींद नहीं आती है नींद ना आने वाली जिनको प्रॉब्लम्स होती हैं उन लोगों के लिए बहुत अधिक फ़ायदेमंद होते हैं उन्हें इसके सेवन से नींद अच्छी आती है तो ये तो हमने जाना कि जो दूध की विभिन्न फॉर्म्स होती हैं कि कभी दूध फट जाता है या फर्स्ट एनिमल का जो फर्स्ट मिल्क होता है वो लेने से क्या फ़ायदा होता है इनके इन जनरल हमने गुड़ जाने पनीर के जाने यहाँ पर आ, क्योंकि पनीर हमारे घर में बहुत फ्रिक्वेंटली यूज़ होता है तो ध्यान रखिएगा कि ये कफ़ बढ़ाता है लेकिन वात पित्त दोष शामक होता है तो आपको एसिडिटी वगैरह हो रही हो तो या वातिक डिसऑर्डर हो तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं आपको बहुत फ़ायदेमंद रहेगा जिस दूध दूध में जो है वो खांड पड़ी रहती है ठीक है खांड पड़ी रहती है वो कफ कारक होता है कफ को बढ़ाने वाला होता है साथ ही साथ वात दोष नाशक होता है तो ध्यान रखिए कि खांड वाला दूध कफ डिसऑर्डर्स में नहीं लेना है आपको लेकिन वही मिश्री पड़ा हुआ जो दूध होता है वो तीनों दोषों का नाश करता है यानी कि आप जब भी दूध लीजिए तो कोशिश करिए मिश्री डाल के लीजिए इसीलिए मैं हमेशा जो है वो शीरपाक में मिश्री का इस्तेमाल करने के लिए सभी से कहती हूँ साथ ही साथ ये जो मेल्स में शुक्र रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो जाती हैं मिश्री वाला दूध उनके लिए बहुत अधिक फ़ायदेमंद रहता है जबकि जो, जो गुड़ पड़ा हुआ दूध होता है ये डिसयूरिया में यानी कि पेनफुल जो मिक्चुरेशन होता है यूरिन करते समय पास करते समय जो तकलीफ़ होती है उन केसेस में बहुत फ़ायदेमंद होता है और पित्त और कफ को अधिक बढ़ाने वाला होता है यानी पित्त और कफज डिसऑर्डर्स करता है ये ध्यान रखना है जो दूध आप लेंगे अगर गुड़ डालकर तो ये तो बात हुई कि आप दूध को खान डाल के ले रहे हैं या गुड़ डाल के ले रहे हैं या मिश्री डाल के ले रहे हैं तो देखिए दूध वही है लेकिन आपने कभी खाण डाली कभी उसमें मिश्री डाली और कभी आपने उसमें जो है गुड़ डाला तो उसके गुड़ चेंज हो गए तो अब हम बात करते हैं कि जो दूध से मक्खन निकालते हैं वो कैसा होता है जो दूध से मक्खन निकलता है वो नेत्रों के लिए बहुत अच्छा होता है यानी कि अगर आपको आई प्रॉब्लम्स हैं या आप अपने नेत्रों को आगे हेल्दी रखना चाहते हैं तो मक्खन का यूज़ ज़रूर करिए और साथ ही साथ ये रक्त पित्त जो व्याधियाँ होती हैं उनको कम करने वाला उनका शमन करने वाला होता है बल कारक होता है और बुद्धि के लिए बहुत अच्छा होता है तो मक्खन खाइए और घर में निकला खाइए इसके साथ मैं ये बताऊंगी कि मक्खन भी जैसे दो होता है कि आपने ताज़ा निकला मक्खन यूज़ किया है या फिर कभी कभी हम रखा हुआ मक्खन यूज़ कर लेते हैं पुराना कि बाज़ार से रेडीमेड हम ले आए अब मैं कंपनी का नाम नहीं बोलूँगी यहाँ कि पर किसी का कि बाज़ार से जो मक्खन हम यूज़ कर लेते हैं उसका आपको इस्तेमाल नहीं करना है क्योंकि देखिए मैं आपको यहाँ पर यह भी बताने जा रही हूँ जो ताज़ा निकला मक्खन होता है वो बुद्धि के लिए बहुत अच्छा होता है बुद्धि वर्धक होता है मेधा के लिए अच्छा होता है लेकिन जो पुराना मक्खन होता है यानी कि हम लोग जो मार्केट से लेके आते हैं वो मक्खन कोई ताज़ा तो नहीं होता वो पुराना होता है जो पुराना मक्खन होता है उससे वॉमिटिंग होना आ, पाइल्स यानी कि बबासिल जैसी शिकायत हो जाना और बहुत सारे स्किन डिसऑर्डर्स भी इससे हो जाते हैं और सबसे बड़ी चीज़ ये कफजनक होने से मेद को बढ़ाता है ओबिसिटी बढ़ाता है तो डोंट यूज़ कि आपको नहीं यूज़ करना है पुराना मक्खन मार्केट से ला आपका जब भी खाने का मन करे आप घर पे निकालिए बहुत इजी है यूट्यूब आपकी पूरी हेल्प करेगा और आप उस पर मक्खन निकालने का मेथड देख सकते हैं घर की ताजी मलाई लीजिए उससे मक्खन निकालिए या दूध से निकालिए और इसका इस्तेमाल करिए तब आपको असली मक्खन के जो गुण हैं या उसके जो औषधीय उपयोग हैं वो आपके लिए फ़ायदेमंद होंगे ना कि मार्केट से लाया हुआ पुराना मक्खन जो कि कई कई कंपनियों का अलग अलग आता है वो नहीं करना है तो देखिए यहाँ ने आज जाना कि हम छोटी छोटी चीज़ें हैं जैसे दूध है दूध में कभी गुड़ डाल के लेते हैं कभी चीनी डाल के कभी मिश्री डाल के लेते हैं कभी हम इस दूध का पनीर बना के यूज़ करते हैं और कभी कभी वही जो है मक्खन यूज़ कर लेते हैं लेकिन मार्केट से लाए यूज़ करते हैं कहीं फ्रेश यूज़ करते हैं तो हर बार चीज़ें बदल जाती हैं थोड़े से चेंज की वजह से गुण बिल्कुल बदल जाते हैं और हमें फायदे के बजाय नुकसान होने लगता है तो जो आपकी स्थिति हो आपकी अवस्था हो उसके अकॉर्डिंग आप इसका इस्तेमाल करिए ताकि आपको इसका फ़ायदा हो सके तो मैं फिर कहूँगी हमारे दिनचर्या की सुविचार की श्रृंखला से आप हमारे साथ जुड़े रहिए अपनी दिनचर्या बदलिए और स्वस्थ रहिए धन्यवाद